बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती कानूनी शिकंजे में फंसी हुई हैं। एक्ट्रेस और उनके परिवार का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज है। इसी सिलसिले में ईडी की पूछताछ जारी है। शुक्रवार को लगभग 8 घंटे तक रिया से पूछताछ करने के बाद ईडी ने अब एक बार फिर उन्हें समन भेजा है। सोमवार को ईडी की टीम फिर से रिया चक्रवर्ती से पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ करेगी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से शनिवार को पूछताछ की गई और ईडी ने करीब 18 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए। बता दें, सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में उनके पिता के सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि सुशांत के बैंक खातों से जबरन रकम ट्रांसफर की गई।